जब तक अली का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। तुमसे हाथ मिलाकर तुम्हारी छाती पर चलकर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोलवा रहा है। जब तक दुनिया देखती है मानती नहीं, एक से एक बहादुर जानवर है। अगर मुल्क में नहीं होते तो अफ्रीका से मंगाए जाते। एक से एक बहादुर जानवर है, किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है, और आजकल प्रचार में चीता। शाकाहारी है, शाकाहारी है, लेकिन अफ्रीकी चीतों की सेवा के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया है। क्या कमेंट? कमाने यार, हम खाए तो पाप है, चीता खाए तो सवाब है। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवरों में उपयोगी जानवर भी है, मगर वो कामयाब नहीं कह जाते। उपयोगी, फ्रूटफुल, यूजफुल, लाभदायक, बट नॉट सक्सेसफुल, सफल नहीं है। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है, कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। ये कामयाब लोगों के नाम है, ये कामयाबी है। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता, शेरनी को भी अम्मा कहो। पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओ। सीधी सादी, दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता, इसके बावजूद वो सफल रहे, कामयाब नहीं कहेंगे उसका। और ये सही है, तर्क संगत, लॉजिकल। मेरी माँ वही है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। आनंदा सुभानंदा, माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है क्या इसकी कोख से जन्म लिया? या तुम जो ज्यादा हो उसी के पीछे भागते हो? ओरिजिनल अम्मा के दो टांग है, अब जिसके चार है वो भी अम्मा, या माँ कहा है तो सच्चे पुत्र बनो। हम आपके कहने की आलोचना नहीं करते, आपके करते हैं कि आप अच्छे पुत्र बनो। लायक बेटा बन, माँ कहा है तो लायक बेटा बन। जानते हो लायक बेटा कौन है? हम लायक बेटे, तुम सब, पूरे भारत में 135 करोड़। लायक बेटा वो है, हम हैं। क्यों?
हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। माँ भी कहूँ कारोबार भी करूँ, व्यापार करूँ। बंगाल वाले समझदार हैं, जो उसकी जगह है वही रखता है। देखो देखो कौन आया, सुनिए का शेर आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी छाती पर चलकर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोल रहा है। जब तक अली का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हमसे ज्यादा कुव्वत ताकत पशुओं में है, पर वो कामयाब नहीं होते। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है। लो, हमारे यहां गाजी है, शहीद है। मारा तो गाजी, मारा गया तो शहीद। क्या जानवरों में भी कोई गाजी है? मारते वो भी है, मरते वो भी है, मारते भी हैं, मारे जाते भी हैं, मगर कामयाब नहीं है। वही काम हम करें, अल्लाह की राह में मारे तो गाजी और काटे जाए तो शहीद। तरक्की हमारी है, जानवरों की नहीं। प्रॉब्लम क्या है? 10 गुण जो जानवरों में है वो सब हम में है। समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बहुत समानताएं निकलेंगी 10 से ज्यादा। जो जो जानवर में हो सब हम में, उन्हें भूख लगती है हमें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है हमें भी प्यास लगती है। वो भी फिजिकल सेक्स करते हैं हम भी करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं हम भी ग्रो करते हैं। उनके भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हमारे पास भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनमें भी आत्मा है हमें भी है। वो भी मेल है फीमेल है, स्त्रीलिंग भी है पुलिंग भी है, हम में भी है। तो अगर तुम पैदा होने के बाद सिर्फ खाते रहे, पीते रहे, जीते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, बुढ़ापे में जाते रहे, तो पशुओं की तरह हो। और पशुओं से पीछे हो। हमारे घर में हमारी माँ बहने, एक बच्चा आ गया, 2 हो जाते ट्विंस, लेकिन कुतिया के कितने होते? और ये सुअर कितने बच्चे? तो संख्या में वो हमसे आगे है। तो अगर हमारी मां बहने से मां बन के रह गई तो जानवरों की तरह रही, कामयाब कहां रही? तुम तो वो हरकतें करते हो जो जानवर भी नहीं करते। जानवर शराब नहीं पीते, जानवर जुआ नहीं खेलते, जानवर सिनेमा नहीं देखते। तो जानवर बनने ही में जब नाकामी है तो जानवर से भी नीचे जाने में। यानी जो तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता नहीं करता वो तुम करते हो।
जो तुम्हारे गांव में सुअर न करे वो तुम करते हो। कहते मैं सही हूँ लकी जात सुन्नी मुसलमान हूँ। और ये तो बताओ, मुसलमान होना तो बात ही बात है, इंसान बने क्या? हमारा इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए। अब अगर इस्लाम का चमत्कार देखना है तो पहले तू बन जा इंसान, फिर बन जा मुसलमान, फिर देख की रब है कितना मेहरबान। ये कैसे पता चलता कौन कामयाब रहा? साल भर तक हाई स्कूल का विद्यार्थी पढ़ता रहा, 8 महीना 9 महीना गुजर गया, पता नहीं फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है, फेल है। इम्तिहान बताता है कि कामयाब है। तो प्रति वर्ष परीक्षा ली जाती है अनेक विषयों में, भूगोल का विद्यार्थी है कि इतिहास का, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, जूलॉजी का है कि बॉटनी का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है या अर्थशास्त्र का। परीक्षा होती है, पेपर आता है, तीन घंटे का समय है, लगा भाई या नाम लिख, रोल नंबर, आई थिंक नो नेम, रोल नंबर, विषय गणित, मैथमेटिक्स सेंटर इस्लामपुर, बैठा, सवाल आया, पेपर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। 13 सवाल के, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। जब मैं हाईस्कूल में था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो। 13 सवाल के मुझे 13 के 13 आते थे, 13 जवाब लिख के मैं ऊपर लिखता सी एनी 5 क्वेश्चन, तुम ही कोई 5 घंटे का दो। अब ऐसा क्यों न करता, सवाल मेरा थोड़ी था, 13 था। मैं पास हो गया। ये इम्तिहान बताता है कि साल कैसा गुजरा, विद्यार्थी की परीक्षा बताती है साल कैसा गुजरा। आपका भी इम्तिहान बताएगा दुनिया कैसी रही। आपकी दुनिया अब यह तो हम बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हुए, रात भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा, मगरिब बाद रात जन्म लेती है, ऐसा तक नौजवान होती है, 12 बजे तक जवान होती है, 1 बजे अधेड़ होती है, 1 बजे के बाद बुढ़ी हो जाती है, और 1 बच्ची का। जब रात जवान थी तो जवान लोगों को मौका दिया गया, और जवान लोगों ने मौका पे चौका मारा, अधेड़ हुई
तो खतीब आजम हिंद को बुलाया। जब बुद्धि हो गई तो बुद्धे को बुलाया। मैं इतना बुरा तो नहीं हूं कि मुहैया के साथ मुराद निभा हो। लेकिन मेरे भतीजे मौलाना सैयद अहमद रज़ा ने अप्रेशर है मुझ पर कि हाजी चचा बुढ़िया से निभा कर लीजिए। तब आप दुआ करें इस बुढ़े की इस बुढ़िया से बन जाए, वरना आजकल की बुद्धि भी जज्बाती है। अब मेरी दुनिया बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, यह तब पता चलेगा कहाँ जब तू कब्र में जाएगा तो तेरा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब दुनिया कामयाब, कानून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका फेल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुश्शान रसूल का बेटा ईमान न संभाल सका नाकाम रहा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हजारों मिसाल है, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिले। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर, बेकार है तुम्हारा इंजीनियर होना डॉक्टर होना, बेकार है तुम्हारा जाहिरी तौर पर आलिम दीन होना, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नाक गोई करके हमें मुसक्कत करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो, ईमान गया तो कुछ नहीं रहा। जो परीक्षालय कब्र है, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें तीन सवाल होंगे। पहला सवाल मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट्स योर रिलीजियन? तेरा दीन क्या है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, मां कुंता तकुलो की हजर रजू, मां कुंता तकुलो। सरकार फरमाते इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बों का तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह। जब फरिश्ता पूछेगा वहां दीनों का वहां दीन क्या है तो जवाब देगा मोमिन दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम। मैं खुदा का सुनो भी हजर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे तो मोमिन जवाब देगा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजर नबी ना मोहम्मद, ये हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फरिश्ता कहेगा नम कलोमती उर्दू सो जा दुल्हन की तरह।
पर कल मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं। लगी और या रसूल अल्लाह, जो मोमिन नहीं है उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा, हमारे रबों का काफिर कहेगा हा हा ला अदरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। मादी होगा अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। मातू का तकुल अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। काफी एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का, सॉरी आई डोंट नो, अफसोस मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता, हा हा अफसोस आई डोंट नो। बंगाल में इम्तिहान होता है हाईस्कूल का, इंटरमीडिएट का, इम्तिहान होगा सर्विसेस का, मान लो बंगला का पेपर आउट हो गया, तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर कैंसिल, नया पेपर बनेगा, अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया क्योंकि पेपर अब फिर लाखों नया छपे, हजारों लाखों रुपया बर्बाद। अब ये सत्ताधारियों से कहा जाने को एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ? कहा जनाब इम्तिहान लिया जाता है, लड़के ने साल भर वहां भी नहीं, पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं? अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही सही जवाब देंगे, तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन, सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन, पेपर आउट हो गया है, सवाल लोगों को पता चल गया है। अगर सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर, किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है, न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। जहां अमरीका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है, जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती मदीने वाले ने करके दिखाया, कयामत तक के लिए बता दिया, कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल रबों का है, दूसरा माँ दीनों का है, तीसरा माँ कुंता का कुलों की हजर रजुल है, और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीदी इस्लाम दूसरे का जवाब है, आदा नबी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे का जवाब है, सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। कामयाब दुनिया उसकी है, भूखा रहने से नाकाम नहीं है, प्यासा रहने से नाकाम नहीं है। सीधा सवाल सीधा जवाब, बहुत तबीयत खुश हुई, ऐसा ही नारा लगता रहा, बोला जी का नाम लेते हैं,
हजरत अली के कितने बेटे हैं? ये मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को, कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हैं? नाम बता। हसन हुसैन। ये जो ही नाम किया क्यों? ये दोनों कामयाब है। इमाम हसन कामयाब? हाँ। इमाम हुसैन कामयाब? हाँ। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे दामन इस्लाम नहीं छोड़ा, प्यासे रहे तौहीद का जाम पीते रहे पिलाते रहे। भूखा हुसैन प्यासा हुसैन कामयाब हुसैन तख्त पर बैठा हुआ हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम, तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। आपका स्टार्ट जो है शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं, ना शुरू मेरी मर्जी से हुआ है ना खत्म मर्जी से होगा। जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? ना आने में मर्जी चली ना जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। ये भी उत्तर योर फेस फ्रॉम रियलिटी, उत्तर योर फेस फ्रॉम रियलिटी, यू कैन चेंज रियलिटी। तुम हक बात से मुंह फेर लो, हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ तो रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर ये नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख ये दुख बोलते हो ना, सुखी जीवन दुखी जीवन, मैं दुनिया के पांचों महाद्वीप में रहा, अमरीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह, पूरे पांचों महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता है। मॉल में भी गए हैं, कुछ हम लोगों को मोज बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिलता। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए। पांच किलो सुख 10 किलो दुख कहां है? जमीन से धान की तरह दुख हो आखान पर, सुख दुख जमीन से पैदा होगा, पेड़ों से निकलता है, जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होगा?
बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं, किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं, किसी मिल में सुख दुख बनाते हैं? नहीं। अबे तो कहीं दिखता है? नहीं। अबे है कहाँ? न सुख है न दुख है, जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है। इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लूं। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी ए मिल्लत, जानशीन सरकार मुहद्दिस ए आज़म। फातिमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक अच्छी मिसाल दूं जो आपके घर में, जब सर चक्कर आता है तो पेन किलर ले लेकर के अपने सर के दर्द को दूर करने की कोशिश करते। पेट में दर्द हो बर्दाश्त नहीं होता शायद, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कटना पड़ रहा, कोई दुख हमें पड़ रहा भावना न कर। अरे कोरोना जैसा नाम वैसे का, क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा पीस, सबसे ज्यादा फेल मां बनने में, ये हमारे घरों में मौजूद। जैसे ही हमारी माँ बहन गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, बस 2-3 महीना तो हम आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू है। दर्द की मुतब्दिक लहरें शिकमे मादर को बेसहारा करती है। न खाना अच्छा लगे, न नींद, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा धीरे धीरे तक बढ़ता जाए, 8वें महीने में दर्द और बढ़ जाए और डिलीवरी के बाद जो लेबर पेन होता है, परसों पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। तो समझो कि जब हजरत मरकर मौत अलैहि सलाम आए और रूह निकाल गए तो जो दर्द होता है उसी से मिलता जुलता दर्द है। जो मां झेलती है तो बच्चा पैदा होता है, कभी कभी वो मर जाती है बर्दाश्त नहीं होता तो। इसीलिए तो मां का दर्जा। नौजवानों, तेरी मां का दर्जा ये है कि तेरी सारी नमाजें, अगर तूने जितने रोजे रखे, हज किया, जकात दिया, बड़े से बड़ा पर्दा किया, लेकिन तेरी मां अगर नाराज है
तब गए। इस पर इंशाल्लाह मैं कर रहा हूं। माँ बाप को आप देखे ना तेवर बड़ा खुश हो तू वही से हम मोहन वाले कहां जिक्र खुदा शिर्क शिकर आए वही शिर्क शिकर आए से मुक्तसरन माँ बाप बोला काबू इलाही क्या हूँ वो भी वन दे देंगे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। माँ बाप दोनों इधर भाग तो पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है अब्बा गाय सिर्फ अम्मा जय माता दी माँ की जय हो बाप सौ केला गया एक कह रहा था माँ की दुआ बाप बदुआ देता है क्या नौजवानों माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। घड़ी में जन्नत है ये हर घर में जन्नत है। लिपट गया अपनी माँ के कदमों से लिपट गया जन्नत। वह सहाबी रसूल थे उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद ये अल्लाह तूने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली दोनों चौखट चूमूंगा। अल्लाह का करम देखो मन्नत पूरी हो गई। अब सीधे साधे नूरे ईमान से मुनव्वर सहाबी अब जन्नत कहां मिले मन्नत उतारने पर आए तो फिकर हुई चलो जन्नत कहां ढूंढू दरवाजा कहां पकड़ू चौखट कहां देखू कैसे बोसा लू हर मर्ज की दवा है सल्ले अल्लाह बारगा है रसालता या रसूल अल्लाह इसी महीने मन्नत मानी अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जन्नत का ऊपरी दरवाजा और नीचे चौखट चूमूंगा अब मुझे जन्नत ही नहीं मिल रही रहमतुल्लिल आलमीन का इख्तियार है खुसूसी देखो पावर ऑफ प्रॉफिट बोले तेरे घर में माँ बाप है यार सुना अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों है का जा घर के अंदर अपने बाप का माथा चूम ले अपनी माँ का कदम चूम ले जन्नत का दरवाजा चूम ले घर ही में जन्नत बाहर ढूंढ रहा है मैं बता रहा था कि लेबर पेन मौत तक ले जाती है कभी कभी लेकिन जिस औरत को शादी के बाद 12 साल तक लेबर पेन ना हो 9 महीने की तकलीफ ना हो तकलीफ होने लगती है कि तकलीफ नहीं है सोचो 9 महीने की तकलीफ ना हो उसे तकलीफ होती है कि ये तकलीफ क्यों नहीं है दुआ मांगती है दरगाहों में जाती है वसीला ढूंढती है फिर साहब से तावीज भी तो आपकी सरकार औलाद हो गया औलाद थोड़ी मांग रही है दर्द मांग रही है लेबर पेन मांग रही है और उससे ये तकलीफ नहीं हुई 12 साल तक शादी के बाद 12 साल तक ये तकलीफ नहीं हुई इस बात की उसे तकलीफ हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो तकलीफ पसंद आ जाए वो तकलीफ नहीं जो दुख मकबूल हो वो दुख नहीं तो एक्सेप्टेंस का नाम सुख है रिजेक्शन का नाम दुख है।
जो हम कहते हैं रब्बाना आतना फिद दुनिया हसना, तो घर में सबूत यह है कि तेरी दुनिया अच्छी है, तेरे माँ बाप राजी है कि नहीं, तेरी दुनिया अच्छी है, तुझे अल्लाह का दिया हुआ हर तोहफा कबूल है, पाले हकीकी है कि ही है, चाहे सुख भेज है चाहे दुख भेज है, वही तो हमारा मालिक है। तो फिर हम दोनों को एक तरह से क्यों नहीं कबूल करते, ए सुख आ रब ने भेजा है कोई परवाह नहीं, आ ए दुख आ रब ने तुझे भेजा है तो आ, क्योंकि जब तक रब दुख भेजता रहेगा उसकी तवज्जो इस बंदे की तरफ रहेगी, और रब की तवज्जो जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है कि वो बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसकी दुनिया कामयाब है और दुआ मकबूल है। रब्बना आतना फिर दुनिया हसना, कल इंशाल्लाह इसके आगे की आयत समझाऊंगा। वाखरु दावाना।